आज ही डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। हमें दे रखा है। इन सो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि के अंदर इरीगेशन क्यों रिक्वायर्ड है तो के के अंदर सबसे पहला जो रीजन है अनसर्टेन रेन अन सर्टेन रेन जो इंडिया के अंदर जो रेन है या फिर जो मानसून है वो क्या है अनसर्टेन है कभी भी आता है कभी भी जा सकता है ठीक है दोस्तों और इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जैसे अल अलिनो हो गई ठीक है तो इनका भी क्या होता है कि इफेक्ट पड़ता है इसलिए इंडियन जो मानसून की जो रेन है वो अनसर्टेन है तो पहला रीजन ये हो जाएगा जिसके कारण इंडिया को इरीगेशन रिक्वायर्ड है फिर हो जाएगा सेकेंड नंबर अन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अन यूजल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अन यूज अन यूजल डिस्ट्री अनयूजल डिस्ट्रीब्यूशन अनयूजअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन जो रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर वो क्या है अनईक्वल भी है और अनयूजल भी है अन एंड अनयूजल अन इक्वल भी है और अनयूजल भी है अनयूजल का मतलब क्या हुआ कि कभी तो किसी भी एरिया के अंदर ज़्यादा रेन होती है कभी भी क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है तो अनयूजल अन और अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का ये भी क्या है इरिगेशन रिक्वायरमेंट का रीज़न है और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा क्रॉप कल्टीवेशन अब जो फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर टाइम पे जो क्रॉप कल्टीवेशन चाहिए तो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए उनको क्या है आ, वाटर की रिक्वायरमेंट है तो क्रॉप क्रॉप कल्टीवेशन के लिए भी क्या है इंडिया के अंदर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है क्रॉप कल्टीवेशन ठीक है तो ये तीन मेजर रीजन है जिसके अंदर इंडिया को इरिगेशन रिक्वायर्ड है थैंक यू क्लास सिक्स से लेके नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर